स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने एक थर्ड लॉ पढ़ा था और वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में मेंडल ने बोला था कि जब टू कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एक कैरेक्टर के जो दोनों एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो अपने दूसरे कैरेक्टर के किसी भी एलील के साथ में गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि इससे बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंट्स जैसे होंगे और कुछ नए कॉम्बिनेशन बने थे जिसे उन्होंने रिकॉम्बिनेंट नाम दिया था। मेंडल्स ने अपने इस लॉ में कौन से क्रॉस की बात की थी? डायहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। और डायहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें टू कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया था, जिसमें हमने टॉल प्लांट लिया था ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया था, मींस वहां पर हमने सिर्फ हाइट को लिया था, तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें टू डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाता है उसको हम बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम पढ़ते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है और इससे F2 जनरेशन का फॉर्मेशन जब होगा या F2 जनरेशन जब बनेगी तो जो प्रोजेनी बनेगी या जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो कैसे होंगे, तो देखते हैं हम इसको। तो मेंडल ने यहाँ पर लिया था जो प्लांट उसके सीड थे राउंड शेप के और येलो कलर के, ये था डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर हमको मालूम है जो कैरेक्टर अपने आप को शो कर पाएगा या जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट, या जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। इसका क्रॉस उन्होंने कराया रिंकल सीड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट से। यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो रिंकल सीड के जीन को डिनोट कर रहा है और ये स्मॉल वाई जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रीन कलर के सीड को। सेम ऐसे ही यहां पर ये जो कैपिटल आर है वो राउंड शेप के सीड को डिनोट करता है, मीन्स ये राउंड शेप का जीन है, और कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर सीड का जीन है। ये प्लांट कौन से है? पेरेंट प्लांट है। अब इसमें फॉर्मेशन होगा किसका? गैमेट का। तो हम गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर देखेंगे 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मीन्स इस प्लांट में भी 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इस प्लांट में भी 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो हाफ हो जाता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हाफ होता है तो जीन्स भी हाफ हो जाएंगे या उनके एलील हाफ हो जाएंगे, और साथ में एक सेल से फॉर्मेशन होता है कितनी सेल का? 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस प्लांट में भी 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इन गैमेट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो राउंड शेप है इसका एक एलील आ जाएगा और येलो कलर का एक एलील आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से जब यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर इसमें एक होगा रिंकल्ड शेप का जीन या एलील और एक होगा ग्रीन सीड का या ग्रीन कलर का हम बोल सकते हैं एलील होगा। तो यहां पर भी इस तरह से 4 सेम गैमेट फॉर्म हुए। ये क्या है? गैमेट्स हैं। तो एक प्लांट में 4 गैमेट, इस प्लांट में भी 4 गैमेट, और 4 गैमेट्स कैसे सेम टाइप के हैं। अब यहां पर हम देखेंगे इनमें जब फ्यूजन होगा, मींस जब इससे F1 जनरेशन का फॉर्मेशन होगा, तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर ये जो गैमेट है ये फ्यूज हो सकता है इन 4 गैमेट्स के साथ में। सेम ऐसे ये गैमेट जो है ये फ्यूज हो सकता है इन 4 गैमेट्स के साथ में, ये गैमेट भी इन 4 गैमेट्स के साथ में फ्यूज हो सकता है, ये गैमेट भी इन 4 गैमेट्स के साथ में फ्यूज हो सकता है। तो टोटल हमको 16 प्लांट मिलेंगे कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में 16 प्लांट जो है वो किस टाइप के होंगे इसको हम देखते हैं पनिट स्क्वायर की हेल्प से। तो अब हम बनाते हैं यहां पर F1 जनरेशन।
यहाँ पर फोर गैमेट्स जो है वो सेम है, तो हम चारों गैमेट को ना लेकर के किन्हीं भी टू गैमेट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पनीर स्क्वायर, इस प्लांट के मेल गैमेट्स ले लेते हैं हम यहाँ पर, कोई भी टू गैमेट्स ले लिया हमने, और सेम ऐसे ही इस प्लांट के हम फीमेल गैमेट ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इस गैमेट का फ्यूजन जब इसके साथ में होगा तो जीन क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम ऐसे ही जब इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ में होगा तो जीन क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर हम देखेंगे इसका फ्यूजन जब इस गैमेट के साथ में होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जब इसका फ्यूजन इसके साथ में होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने देखा कि जब हमने टू टू गैमेट का फ्यूजन कराया तो हमको टोटल कितने प्लांट मिले, फोर प्लांट मिले। और ये फोर प्लांट जो है वो कैसे है, अगर हमारे पास में राउंड शेप का जीन रिंग कट शेप के जीन के साथ में होगा तो प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, राउंड सीड वाला होगा। अगर येलो कलर का जीन ग्रीन कलर के जीन के साथ में होगा तो कलर कैसा होगा, येलो होगा, क्योंकि यहां पर अभी हमने देखा कि राउंड शेप और येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फोर हमें प्लांट मिले हैं या फोर ऑफस्प्रिंग मिले हैं तो कैसे इनके जीन है, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई। तो ये प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, राउंड शेप के सीड वाला और येलो कलर के सीड वाला। यहाँ पर भी ये राउंड एंड येलो सीड वाला प्लांट होगा, ये भी राउंड एंड येलो सीड वाला होगा, ये भी राउंड एंड येलो सीड वाला होगा। तो इस तरह से हमको कितने प्लांट मिले, टोटल फोर प्लांट मिले हैं जब हमने टू गैमेट्स का फ्यूजन कराया, टू टू गैमेट्स का फ्यूजन कराया। तो फोर प्लांट हम देखेंगे कैसे है, यहाँ पर राउंड एंड येलो है, और एक भी प्लांट हमको नहीं मिला है, कौन सा, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला। तो इस तरह से देखेंगे हम 100% प्लांट जो है वो हमको कैसे मिला, राउंड एंड येलो। अभी हमने यहाँ पर कितने गैमेट का फ्यूजन कराया, टू टू गैमेट का फ्यूजन कराया। अगर हम यहाँ पर फोर फोर गैमेट का फ्यूजन कराते तो टोटल हमको कितने प्लांट मिलते, 16 प्लांट मिलते हैं। तो 16 के 16 प्लांट कैसे होते हैं हमारे पास में, राउंड एंड येलो सीड वाले। और जीरो प्लांट होता, यानी कि हमें एक भी प्लांट नहीं मिलता, किस कौन से सीड का, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला। यहाँ पर 100% प्लांट, यानी कि F1 जनरेशन जो है उसमें हमें 100% प्लांट कैसे मिले, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले हैं। अब जब इनके बीच में, ये तो था हमारे पास में F1 जनरेशन, जब इसके बीच में सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग का मतलब होता है कि एक ही जनरेशन के प्लांट्स के बीच में, यानी कि एक ही जनरेशन के जो सेम प्लांट है उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। अगर हम इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो हमें इससे क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जब पेरेंट प्लांट में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था तो चारों गैमेट कैसे थे, सेम थे। यहां पर भी चारों गैमेट कैसे थे, सेम थे। पर जब हम F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वहां पर हम जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे हमारे F2 जनरेशन में, जो नए प्लांट बनेंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले होंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले हैं उनमें सेल्फिंग के बाद में किस तरह के प्लांट्स हमको F2 जनरेशन में मिलेंगे। जो F1 जनरेशन के मेंबर्स थे उनमें जीन्स क्या थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। टू डिफरेंट कैरेक्टर के जीन है यहां पर, राउंड शेप का जीन, येलो कलर का जीन। सेम यहां पर हमारे पास में तो दूसरा प्लांट है उसमें भी राउंड शेप का जीन, येलो कलर का जीन। कौन से जनरेशन के प्लांट है, ये F1 जनरेशन के प्लांट है, क्योंकि यहां पर क्या कराया गया, सेल्फिंग करा रहे हैं।
येलो। अब यहां पर देखते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो फोर टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पेरेंट प्लांट में भी फोर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, पर वहां पर किस टाइप के थे गैमेट्स? सभी गैमेट्स जो थे वो सेम टाइप के थे, पर यहां पर फोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये हमने मेंडल के थर्ड लॉ में पढ़ा कि इस कैरेक्टर का जो जीन है इसका ये एलिन इंडिपेंडेंट है, वो इसके साथ में भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, इसके साथ में भी गैमेट फॉर्म कर सकता है। इस कैरेक्टर के इस जीन का ये एलिन जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ में भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, इसके साथ में भी गैमेट फॉर्म कर सकता है। तो हम इस तरह से देखेंगे यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट हमको मिल रहे हैं, फोर डिफरेंट टाइप के गैमेट मिल रहे हैं। तो फॉर्मेशन होगा, एक गैमेट बना जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई एलिन आए। सेकेंड गैमेट में हम देखेंगे कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई एलिन आ सकता है, यहाँ पर स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई आ सकता है और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई आ सकता है। तो इस तरह से हमें फोर डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी फोर टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहाँ पर एक राउंड शेप का एलिन और एक येलो कलर का एलिन। सेम ऐसे ही यहाँ पर राउंड शेप का जो एलिन है ये क्या कर रहा है, इसके साथ में गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है स्मॉल वाई के साथ में। यहाँ पर स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर फोर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या थे हमारे पास, गैमेट्स थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ वन जनरेशन के मेंबर्स के बीच में सेल्फिंग कराई जा रही है। पर इसका कंपेयर अगर हम पेरेंट प्लांट से बनने वाले गैमेट से करें तो हम क्या देखेंगे, वहां पर सभी गैमेट्स कैसे थे, सेम टाइप के थे, और यहाँ पर सभी गैमेट जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। अब जब इनमें क्रॉस होगा, मीन्स इन दोनों प्लांट के बीच में जो क्रॉस होगा उससे जो प्लांट बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर वाले होंगे। तो हम देखेंगे कि इस प्लांट का ये जो गैमेट है ये गैमेट फ्यूज हो सकता है इस गैमेट से, या ये गैमेट फ्यूज हो सकता है इस गैमेट से, इस गैमेट का फ्यूजन हो सकता है इस गैमेट से, या इसका फ्यूजन हो सकता है इस गैमेट से। मींस ये जो गैमेट है इन फोर गैमेट से फ्यूज हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये गैमेट जो है ये इन फोर गैमेट से फ्यूज होगा। सेम ऐसे ये जो गैमेट है इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये फोर गैमेट में से किसी से भी फ्यूज हो सकता है। यहाँ पर ये गैमेट है ये भी इन फोर से फ्यूज होगा, और ये गैमेट जो है वो इन फोर से फ्यूज हो सकता है। तो फ्यूजन के बाद में जो F2 जनरेशन बनेगी, प्रोजेनी बनेगी, वो किस तरह की होगी, इसको हम देखते हैं पॉलीडिस्क्वायर की हेल्प से। ये जनरेशन हमारी कौन सी बनेगी, F2 जनरेशन बनेगी। और अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि फोर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स थे, फोर गैमेट वन प्लांट के और फोर गैमेट जो है वो अनदर प्लांट के। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्लांट के मेल गैमेट ले लेते हैं, एक प्लांट के हम फीमेल गैमेट लेते हैं। ये गैमेट को मैं यहां लिख रही हूं, सेम इसके गैमेट्स यहां पर। अब हम देखते हैं गैमेट का फ्यूजन होने पर किस तरह की प्रोजेनी मिलेगी, किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे हमको। इसका क्रॉस, इस गैमेट का फ्यूजन इस गैमेट के साथ में हुआ तो यहां पर मिला हमको, इसका क्रॉस इसके साथ में हुआ तो हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ में होगा तो यहां पर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ में कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो यहां पर मेरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो एलिल होंगे यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ में हुआ तो यहां पर मिला हमको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
ये एलिल जो है वो इन दोनों गैमेट्स के एलिल है। यहां पर क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका फ्यूजन इसके साथ में हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ में अगर होता है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस अगर हम इसके साथ में कराएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस हम इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका क्रॉस जब इसके साथ में होगा तो मिलेगा हमको स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से हमको टोटल मिले 16 प्लांट। कितने प्लांट मिले हमको? 16 प्लांट मिले। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लांट है कौन कौन से कैरेक्टर वाले हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो राउंड शेप का जीन है उसका एलील अगर रिंकल शेप के जीन के एलील के साथ में प्रेजेंट होगा, मीन्स यहाँ पर जो शेप का जीन है इसमें हम देख रहे हैं कि एक एलील जो है वो राउंड शेप के जीन का एलील है और एक एलील जो है वो रिंकल शेप के जीन का एलील है, पर डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर था? राउंड शेप था। तो यहाँ पर अगर ये जीन प्रेजेंट होगा तो शेप कैसा होगा? राउंड होगा। ऐसे ही हमने देखा था कि जो येलो कलर था उसके एलील को कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे हैं और ग्रीन कलर का जो जीन है उसका जो एलील है वो है स्मॉल वाई। तो यहां पर जो कलर का जीन है उसमें एक एलील जो है वो येलो कलर का है और एक एलील जो है वो ग्रीन कलर का है, तो डोमिनेंट कौन सा है? येलो कलर डोमिनेंट है। तो जहां पर भी कैपिटल वाई होगा तो वो कौन सा होगा? येलो कलर का सीड होगा, और यहां पर भी कैपिटल आर होगा तो वो सीड कैसा होगा? राउंड शेप का सीड होगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि 16 प्लांट में से कितने प्लांट जो है वो राउंड शेप एंड येलो कलर के सीड वाले हैं, कितने प्लांट जो है हमारे रिसेसिव कैरेक्टर वाले। रिसेसिव कैरेक्टर क्या था? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड थे। और कितने प्लांट हमको नए कॉम्बिनेशन वाले मिले हैं? तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट, यानी कि राउंड शेप और येलो सीड। कितने प्लांट है यहां पर हम देखेंगे? ये प्लांट जो होगा वो राउंड शेप और येलो सीड वाला होगा क्योंकि यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है। ये प्लांट राउंड शेप येलो सीड वाला होगा क्योंकि यहां पर क्या है? राउंड कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है। ये प्लांट राउंड शेप येलो कलर वाला होगा, ये प्लांट राउंड शेप येलो कलर वाला होगा, ये प्लांट भी राउंड शेप येलो कलर वाला होगा, ये प्लांट राउंड शेप येलो कलर वाला होगा, ये प्लांट होगा राउंड शेप एंड येलो कलर, ये प्लांट होगा राउंड शेप एंड येलो कलर, ये प्लांट होगा राउंड शेप एंड येलो कलर के सीड वाला। तो इस तरह से हमने यहां पर देखेंगे कि टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमको कितने प्लांट मिल रहे हैं? 9 प्लांट जो है वो राउंड एंड येलो सीड वाले मिल रहे हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कुछ नए कॉम्बिनेशन कौन से मिले हैं। अगर हम यहां पर इस प्लांट की बात करें तो यहां पर ये है राउंड शेप सीड वाला और यहां पर साथ में कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। यहां पर कलर का जो जीन है उसके दोनों ही एलील कैसे हैं? रिसेसिव है। सेम ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर राउंड शेप का सीड होगा और रिसेसिव कलर वाला जीन है यहां पर, यानी कि राउंड शेप कैसा है? राउंड है, लेकिन कलर कैसा है? ग्रीन है। और यहां पर अगर हम देखते हैं इस जगह पर तो शेप कैसा है? राउंड शेप होगा क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है, पर यहां पर दोनों ही स्मॉल वाई प्रेजेंट है, मींस रिसेसिव कैरेक्टर वाले ग्रीन कलर सीड वाले जो है जीन प्रेजेंट है यहां पर। दोनों ही एलील कैसे है? रिसेसिव है। तो यहां पर हमारे पास में देखेंगे राउंड शेप एंड ग्रीन सीड के कितने प्लांट मिले? टोटल हमको 3 प्लांट मिले हैं, 1 प्लांट 2 प्लांट और 3 प्लांट। इसके अलावा हम एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं यहां पर। इस प्लांट को अगर हम देखें तो यहां पर हम देखेंगे रिंकल्ड
शेप का जीन है, दोनों ही एलील कौन से हैं, सेम टाइप के रिंकल शेप के एलील है। इस जीन को अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही एलील येलो कलर के हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्लांट होगा वो कौन सा होगा, रिंकल सीड वाला और येलो कलर वाला। यहाँ पर अगर हम बात करें इस जगह पर, ये प्लांट कैसा है, रिंकल सीड एंड येलो कलर वाला। इस प्लांट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, रिंकल सीड है और कलर कैसा होगा, ये येलो कलर होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो रिंकल सीड है और कलर कैसा होगा, येलो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यहाँ पर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों ही वाई कैसे कैपिटल है। तो यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन हमको क्या मिला, रिंकल्ड सीड एंड येलो कलर। तो यहाँ पर टोटल कितने प्लांट मिले हमको, थ्री प्लांट मिले, और एक प्लांट हम देख रहे हैं कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला, मींस यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आर है और दोनों ही स्मॉल वाई है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कौन सा प्लांट हुआ, रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कलर का, ये कितने प्लांट मिले हमको, वन प्लांट मिले। मींस 16 में से 9 प्लांट राउंड एंड येलो सीड वाले हैं, 3 प्लांट्स राउंड शेप एंड ग्रीन कलर के सीड वाले हैं, 3 प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जिनके सीड रिंकल्ड होंगे और येलो कलर होगा उनका, और 1 प्लांट जो है वो रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर के सीड वाला होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो फीनोटाइप हमको मिला वो फीनोटाइप क्या मिला हमको, 9:3:3:1, जिसमें कि 9 प्लांट जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले थे, 1 प्लांट जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला था, और यहाँ पर ये 6 प्लांट जो है, 3 प्लांट और ये 3 प्लांट, ये अलग अलग तरह के कैरेक्टर वाले हैं, मीन्स ये नए कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो यही बोला था मेंडल ने अपने थर्ड लॉ में कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो डायहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर तो एलील जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली गैमेट का फॉर्मेशन करते ही हैं, साथ में यहाँ पर जो प्रोजेनी बनती है या जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें से कुछ ऑफस्प्रिंग जो है वो सेम टू सेम पेरेंट्स ऐसे होते हैं और कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं या रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस, इसका फीनोटाइप था हमारे पास में 9:3:3:1। तो इस तरह से इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा कि जब राउंड शेप और येलो कलर वाले सीड प्लांट का क्रॉस रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर सीड वाले प्लांट से कराया गया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले, मीन्स 100% प्लांट जो थे वो कैसे थे, राउंड शेप और येलो कलर सीड वाले प्लांट थे। इसमें हमने देखा था कि जब पेरेंट प्लांट में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था तो 4 गैमेट बने थे, एक प्लांट में 4 गैमेट बने थे, दूसरे प्लांट में भी 4 गैमेट बने थे, और जो गैमेट थे वो सेम टाइप के थे, चारों के चारों गैमेट जो थे वो कैसे थे, सेम टाइप के थे। पर जब हमने F1 प्लांट्स के बीच में सेल्फिंग कराया तब हमने क्या देखा था कि उसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था तो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब इनके बीच में क्रॉसिंग हुआ तो क्रॉसिंग से जो हमें 16 प्लांट मिले थे उसमें से कुछ प्लांट कैसे थे, पेरेंट्स जैसे थे, और कुछ प्लांट थे जिनमें न्यू कैरेक्टर्स थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 9 प्लांट राउंडेड येलो सीड वाले मिले थे हमको, 1 प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला मिला था, तो ये दोनों कैरेक्टर कैसे थे, पेरेंट जैसे थे। पर नए कॉम्बिनेशन हमको कौन से मिले थे, यहाँ पर राउंड शेप और ग्रीन सीड के 3 प्लांट मिले थे, रिंकल्ड सीड एंड येलो कलर वाले हमको कितने प्लांट मिले थे, 3 प्लांट्स मिले थे। तो इस तरह से इसमें हमें कुछ प्लांट तो थे कैसे थे, पेरेंट्स जैसे थे, और कुछ प्लांट जो थे वो नए कॉम्बिनेशन वाले थे, और यही मेंडल ने अपने थर्ड लॉ में कहा था। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।